एक बार फिर टोल प्लाजा पर बवाल। टोल ना देने को लेकर हुआ विवाद। टोल कर्मचारियों से मारपीट का आरोप। बैरियर तोड़कर निकाली गाड़ियां। भाजपा नेता का बताया जा रहा है काफिला। टोल प्लाजा के बैरियर पर तोड़फोड़ की ये तस्वीरें आपके लिए नई नहीं है। सिर्फ जगह बदल जाती है, लेकिन टोल प्लाजा पर गुंडई का हाल नहीं बदलता। एक बार फिर टोल प्लाजा कुछ दबंगों का निशाना बना है। इस बार गाजियाबाद के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बना ये टोल प्लाजा जंग का मैदान बन गया। टोल टैक्स पर दबंगई की तस्वीर दिखना कोई नई बात नहीं है। ताजा मामला गाजियाबाद के थाना मुरादनगर इलाके का ईस्टर्न पेरिफेरल वे टोल का है, जहां टोल मांगने से नाराज हुए दबंगों ने न सिर्फ टोल पे तोड़फोड़ करी, बल्कि वहां मौजूद लोगों के साथ बदसुलूकी भी की। देखिए सीसीटीवी की इन तस्वीरों में वक्त करीब शाम के 7:38 का हो रहा है। इसी बीच टोल प्लाजा पर कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं, और तभी लाल कमीज में दिखाई दे रहा शख्स आता है और टोल प्लाजा पर लगे बैरियर को तोड़ने लग जाता है। टोल प्लाजा का मैनेजर इसे ऐसा करने से रोकने पहुंच जाता है, लेकिन इस बीच और भी लोग आकर टोल कर्मचारियों से बहस करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक लड़का बैरियर को तोड़ ही देता है। गुंडई की ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोप है कि ये गाड़ियां सोनीपत से आ रही थीं और मेरठ की तरफ जा रही थीं। आप देख सकते हैं कि टोल टैक्स पे एक बोर्ड लगा होता है, टोल टैक्स जहां शुरू होता है उससे पहले उस बोर्ड पे ये लिखा हुआ होता है कि कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो फ्री होती हैं, जिन पे टोल नहीं लिया जाता है। जो टोल पे मौजूद कर्मचारी थे उनका कहना था कि जो गाड़ियां निकली हैं उन पे एक राजनीतिक पार्टी का स्टिकर लगा हुआ था। अब मसला इसमें ये भी है कि टोल की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना पुलिस को नहीं दी गई है। टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों पर राजनीतिक दल के स्टिकर लगे हुए थे। टोल कर्मचारियों का आरोप है कि किसी भाजपा नेता का ये काफिला सोनीपत की ओर से दुहाई टोल प्लाजा से होते हुए मेरठ की ओर निकल गया। इस दौरान किसी ने भी टोल नहीं दिया, उल्टा टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों से बदसलूकी और मारपीट की और बैरियर को तोड़कर गाड़ी निकालकर चलते बने। हमारे टोल प्लाजा पे ही ईस्टर्न पेरिफेरल पे कुछ कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी आए और अपने आप को पदाधिकारी बताते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी बताते हुए उन्होंने टोल देने से मना कर दिया। तो कर्मचारियों को टोल मांगने पर उन्होंने उसके साथ बदतमीजी करी, उनके साथ धक्का मुक्की करके और बैरियर तोड़ के अपनी कई गाड़ियों को निकाल के ले गए। भले ही गुंडई की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं, लेकिन अभी टोल कर्मचारियों की ओर से पुलिस में इसकी शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है, जिसके चलते पुलिस भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। लेकिन टोल प्लाजा पर गुंडई की तस्वीरों ने एक बार फिर पुलिस की चुस्ती की पोल खोल कर रख दी है। टोल न देने पे दबंगों की तस्वीर तो सीसीटीवी में कैद हो गई है, लेकिन टोल कर्मियों ने इसकी कोई आधिकारिक शिकायत पुलिस को नहीं दी है, जिसके चलते पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई जांच शुरू नहीं की है। विपिन तोमर, एबीपी गंगा, गाजियाबाद।